की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मटर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट बहुत मस्ती से रहा कर रहे थे। लिटिल गोट बहुत प्यारे लगते थे कि नॉर्मल जैसे। सभी माओं की तरह मटर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवर से की रक्षा करती थी। एक बार खाना ढूंढने में बाहर जाने से पहले उसने लिटिल गोट को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, और भेड़िया अंकल आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज मूठी और मेरी आवाज मीठी सी है। मोटी आवाज समझ जाना वही है। ये बोलकर फिर खाना लेने जल्दी जाती तो एक एक करके चुमा। फिर जंगल के और चल पड़े। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मटर गोट के जाने तक वो थोड़ा और रुका। फिर वो उन्हें घर पे पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। पर लिटिल गोट ने भेड़ी की मुंह की आवाज पहचानी। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम्हारे हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुड्ढू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िया गोट बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट को ठग नहीं पाया। अब उसने चौका बिल्स खा लिया। उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। फिर वापस उनके घर गया। फिर दरवाजे पर नॉक करने लगा। भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोल, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना क्या है। दरवाजे खोलने वाले थे जिसने चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए ये काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, मम्मी के पैर तो काले नहीं है, उनके पैर सफेद है, तुम भेड़िए हो। तो भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। तीस बार चला भेड़िए ने दरवाजे पर लॉक किया। जल्दी दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई। तुम अपने पैर दिखा, तुम मालूम है उनकी मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आगे चलने में अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट ने सफेद पैर देखे तो उन्हें समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल लिया। फिर गया कि सामने था भेड़िया। लिटिल गोट डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, भागो भागो, भागोगे मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे, दूसरा पिस्तल में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवा घर के अंदर। पर भेड़िया चला था और सबको एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आ, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, रुको। घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं, वहां से निकल गया। एक बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मटर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है। वो चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही
घबरा गई, सारा फर्नीचर गिर हिरा बट पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर गिर पड़ा बट तकिया चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर बोर्ड अपने बच्चों को कहीं नहीं सुन पाई, एक एक करके नाम भी मुकारा पर कोई नहीं मिला। साथ में बच्चे का नाम मुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ। तो मदर गो तुरंत उस घड़ी की तरफ पहुंची, वहां से हमने बच्चे को निकाल के घड़े लगाया। लिटिल गो ने माँ को सारी कहानियां बताई। मेरे आए हैं तब इस बदल के मैं आप हूँ, वो सभी मेरे भाइयों को खा गया। तो मदर को उसको बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई। तो बच्चे के साथ वो एक बच्चे के साथ घर से बाहर निकली। तो तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा, उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मटर गोर ने भेड़ी को टोरी दे देगा, उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। एक भगवान, लगता मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा, घर से मिले एक सुई धागा और चाचे ले गया। लिटिल गोट घर जाने लगा। वो तो मदर गोट ने ये कट्टा ही कट्टा की, तो लिटिल गोट सुई धागा और कैचे लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा, उसने बड़े अपना बच्चा दिखा, बाकी एक करके देखने लगे। तो मटर गोल ने फेरी अंदर सारे पत्थर डाल दिए, उनने सुई धागे से सेल दिया। भेड़िया इतनी नींद में सो रहा था, उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कई सारों लिटिल गोट्स के बच्चे से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी, वो नदी के और गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे, पेट इतना भारी पर भरा हुआ लग रहा है जैसे मैं पत्थर ही खाया। वो पानी पीने के लिए झुका, पत्थर उनके वजन के वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ डूब रहा बचाओ, पर कोई नहीं आया। उनका वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मटर को और लिटिल को ने जब ये देखा, वो नदी के तरफ गए, भेड़िया डूब गया। सभी मिलकर झूठने लगे। उस दिन से मटर गोर